हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल सिराज किचन। दोस्तों, आज की रेसिपी कच्चा मैंगो जेली। दोस्तों, बहुत ही बच्चों के लिए बहुत ही फेवरेट है बच्चों का। दोस्तों, बहुत ही हेल्दी भी है बाहर का जेली से। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं आज कच्चा मैंगो जेली। कच्चा मैंगो जेली के लिए हम यहाँ पे 300 ग्राम कच्चा आम लिए हैं। उसको छिलका निकाल के इसको मिक्सी ग्राइंडर में डाल के एक कप पानी डाल के 250 ml इसको अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। देखिए, ये अच्छे से अभी ग्राइंड हो चुका है। आप एक कढ़ाई में डालिए, गैस पे मत बिठाइए, पहले कढ़ाई में डालिए। कढ़ाई में डालने के बाद हाफ कप शक्कर इसमें डाल दीजिए, 125 ग्राम के करीब। थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर इसमें डाल के दोस्तों इस शक्कर को घुलने तक अच्छे से मिलाइए। मिलाने के बाद दोस्तों अब इसको गैस के ऊपर लगा देंगे। अभी एक कटोरी लेंगे दोस्तों, कटोरी में 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लेके पानी डाल के इसको मिला के बाजू में रख दीजिए। अब जो आम का मिश्रण है इसको अच्छे से एक उबल आने दो। अच्छे से देखिए 10 मिनट के बाद ये उबलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो कॉर्नफ्लावर मिक्स है उसको हम इसमें डाल के अच्छे से 5 मिनट के लिए दोस्तों इसको पकाएंगे। देखिए, यह बहुत ही थिकनेस गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे 5 मिनट। अब ये तैयार है दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और कैसा लगा ये रेसिपी आप जरूर बताइए दोस्तों। आप ऐसे एक प्लेट लेंगे, गहराई वाला प्लेट ही लीजिए, उसको ऑयल से ग्रीस कर लीजिए। अब इस मिश्रण को ठंडा होने के बाद इसमें डाल दीजिए। डाल के दोस्तों इसको हम फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे तक। दोस्तों 3-4 घंटे के बाद ये जम जाएगा। आप इसको काट के भी खा सकते हो या तो ऐसे भी आप सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी है। बाहर बाजार में मिलने वाला जेली से भी आप इस लॉकडाउन में ज़रूर बना के दीजिए अपने बच्चे लोग को, बहुत ही खुश होंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों।